भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेस प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर द वन फॉर ऑल स्कूटर, 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेस प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर, 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी, मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बालाघाट जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना मरीजों के 3 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार कोरोना मरीजों की संख्या अब 5 पर पहुंच गई है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर उपचार किया जा रहा है। बताया गया कि 30 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में जिन 3 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वे पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के परिजन हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया है कि जिले में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एहतियात के तौर पर लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए हैं। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर नज़दीकी अस्पताल में पहुंचकर टेस्ट कराने को कहा गया है। फिलहाल जो 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, उन पर स्वास्थ्य विभाग की नज़र बनी हुई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी ने चाचा की हत्या से जुड़े एक मामले में आरोपी भतीजे को आजीवन कारावास एवं 5,000 के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी ने की है। बताया गया कि लामता थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरबोड़ी में 1 मार्च 2020 को आरोपी अशोक सिरसाम ने अपने चाचा सतनलाल को आपसी विवाद में उभारी से मारकर चोट पहुँचाई थी, जिसके चलते उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने धारा 302 के तहत अपराधी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्या के मामले में आज माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की न्यायालय के द्वारा आरोपी अशोक सिरसाम को आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। घटना दिनांक 1 मार्च की है। ग्राम डोंगरबोड़ी थाना लामता के अंतर्गत आरोपी अशोक सिरसाम ने अपने काका सतनलाल को गाड़ी की उभारी से मार दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। वो उस मामले में साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी अशोक सिरसाम को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। बैहर क्षेत्र के दम्मो ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम अजगरा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का शुक्रवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके और विशेष अतिथियों में नीलकंठ राहंगडाले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच कमल सिंह ध्रुवे ने की। विधायक ने कबड्डी प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा है कि कबड्डी एक सूझबूझ का खेल है, लेकिन आज इस ग्रामीण खेल की जगह क्रिकेट ने ले लिया है। इसके बावजूद हमारे यहाँ कबड्डी जैसे खेल का होना यह संदेश देता है कि हमने अपने परंपरागत खेलों को आज भी भुलाया नहीं है। ऐसे खेल होते रहना चाहिए, यह शरीर की ऊर्जा शक्ति के लिए भी मददगार होते हैं। राउंड नंबर 2 को सजाएं। गोंडी टेला वर्सेस रेलवाड़ी, अभी जो टीम जीती है वो पुनः राउंड नंबर 2 में उतरे सेमीफाइनल के लिए। फर्स्ट सेमीफाइनल गोंडी टेला वर्सेस रेलवाड़ी। जोश का खेल है, और लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। बहुत समन्वय, बहुत कोऑर्डिनेशन का, सूझबूझ का खेल कबड्डी है, और जिसमें अगर अपना मानसिक संतुलन ठीक रखा, पूरी टीम ने अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा रखा,
कोई टीम अगर हताश नहीं हो पाई तो निश्चित तौर पे उसको परिणाम अनुकूल मिलते हैं। हमारे युवा साथी हैं जिनमें भरपूर जोश है और कबड्डी जोश का खेल है और इसी का लाभ लेते हुए जिस टीम ने ग्राउंड में अगर अच्छा समन्वय ले लिया, तालमेल अगर टीम के बीच में अच्छा है तो विजय को निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। उनको कोई हारता है कोई जीतता है, ये सतत प्रक्रिया है। कुछ कमियां रहती हैं, कमियों को दूर करते हुए खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेलकूद प्रतियोगिता होती थी, जब से हम पढ़ते थे स्कूल लाइफ में, तब हमने देखा था कि स्कूलों में खो खो कबड्डी बहुत सारी एकल प्रतियोगिताएं भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे समय आगे आता गया, परिवर्तन आता गया। ग्रामीण खेलकूद में आजकल कबड्डी ने सबसे क्रिकेट ने सबसे ज्यादा स्थान लिया हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक जागरूकता कार्यक्रम एवं विधिक मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार शुक्ला और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी सोमनाथ राय ने पत्रकारों से चर्चा की। 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवम्बर 2021 के मध्य विधिक साक्षरता जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसका शुभारंभ कल प्रातः 8:30 महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर पर एक प्रभात फेरी के आयोजन से होगा। और इस पूरे आयोजन के दौरान हम लोग 5 स्थानों पर, जो हमारे तहसील विधिक सेवा समितियां हैं, 4 विधिक तहसील विधिक सेवा समिति और एक हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट जिला मुख्यालय, वहां पर 5 मेले आयोजित किए जाएंगे विधिक साक्षरता के, जिसमें पहला मेला कल दोपहर 1:00 से ग्राम लिंगा में होगा। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ये निःशुल्क कानूनी सहायता को मूर्त रूप देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन एक विधिक साक्षरता योजना भी संचालित है और ये 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में हम समाज के कमजोर एवं निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की हम जानकारी देने वाले हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कानूनी सहायता योजना, लोक अदालत योजना, मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम, पीड़ित प्रतिकार योजना, लीगल एड क्लिनिक योजना, पैरा लीगल वॉलंटियर योजना, विवाद विहीन ग्राम योजना, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की जो 11 योजनाएँ हैं, जो मुख्यतः बच्चों, बुजुर्ग व्यक्तियों, महिलाओं, एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों, लैंगिक अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों, ऐसी सभी गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं की जानकारी हम देने वाले हैं। एकता परिषद लांजी के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान बीते 21 सितंबर से क्षेत्र में परिषद के द्वारा आयोजित शांति और न्याय यात्रा का समापन भी होगा। समापन कार्यक्रम से पूर्व शांति और न्याय के लिए आयोजित यह यात्रा ग्राम नंदोरा से बकरा मुंडी होते हुए लांजी पहुंचेगी। यहां पर जनपद पंचायत एवं हाई स्कूल के मध्य स्थित ग्राउंड में यह यात्रा सभा में परिवर्तित होगी, जहां पर सामूहिक संवाद के बाद यात्रा का समापन होगा। इस संबंध में एकता परिषद के जिला संयोजक सुरक्षालाल भोंडे एवं यात्रा प्रभारी हीरामन कोडवते ने बालाघाट न्यूज़ को जानकारी दी है।